Thank you, Speaker Madam, for giving me the floor. Two very interesting speeches. Hindi mein bhi bolunga, ghabraiye mat. Two very interesting speeches. One by Mr. Gala from the TDP and one from the BJP. I heard Mr. Gala's speech very carefully. I listened to everything you said. And in your speech, I sensed a certain anxiety. I sensed a deep feeling of pain. And I want to tell you, from here, that you are the victim of a 21st century political weapon. Yes. Very fantastic political weapon. And I want to tell you that you are not alone. There are many, 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 many victims like you in this country. The political weapon is called the Jumla strike. Yes. And the symptoms are the following. First, there is a great sense of excitement, happiness. There is a great sense of happiness, excitement. Then there is a feeling of shock. And after that, there are 8-hour-long speeches. Now, who else are victims of the Jumla strike? The kisans of the country? Speaker, ma'am. The kisans of the country, the youngsters of the country, the Dalits, the tribals, and the women of the country. Aapne bola ki Pradhan Mantri ke shabd ka matlab hona chahiye. Aur yahi sawal pura Hindustan aaj pooch raha hai. ₹15 lakh हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में. जुमला स्ट्राइक नंबर एक ₹15 लाख हर बैंक अकाउंट में. जुमला स्ट्राइक नंबर दो, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार. रोजगार पे चलते हैं. 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी. आप कौन सी दुनिया में हैं? आप कौन सी दुनिया में हैं? मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं. मेरे पास मैं देख रही हूँ ना, उनका नाम लिया आपसे पहले. आप मत डिस्टर्ब करो उनको, बैठो. तो मैंने तुरंत प्लीज कर गई. 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला. ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं है, इनके आंकड़े हैं. हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा. और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है. दूसरे तरीके से कहता हूं, जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो. यह सच्चाई है इनके खोखलेपन की, यह सच्चाई है इनके शब्दों की. और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं. कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो,
रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ, 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। शायद समझ नहीं थी कि किसान मजदूर गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। ये है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सच। प्लीज प्लीज, नहीं आप बैठे हुए लोगों की मत सुनो, मगर वहां नहीं रुके। जीएसटी कांग्रेस पार्टी लाई थी, आपने विरोध किया था, आपने विरोध किया था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री जी की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेस से बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता है। तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया। और जैसे मैंने कहा, जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मीडियम साइज बिजनेस चलाकर, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इश्तिहार पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आ सकता है। और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं, और वो 10-20 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कुछ करते हैं, मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। कहा था
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। मगर जब अमित शाह के पुत्र जय शाह 50 राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है, और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है, आप ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए।
सदन में उपस्थित है उनका नाम लिया गया है डिफेंस मिनिस्टर मैडम इज नॉट यील्डिंग मैडम इज नॉट यील्डिंग आई विल अलाउ यू ऑल्सो आफ्टर इट आई नो इसके बाद मौका दीजिए आफ्टर मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी अभी वो यील्ड नहीं कर रहे हैं हाउस ओके उनके बाद रिप्लाई का मौका आपको देंगे उससे द डिफेंस मिनिस्टर हैज क्लियरली स्पोकन एन अनट्रूथ द फैक्ट ऑफ द मैटर एक बात है राहुल जी फ्रेंच प्रेसिडेंट पर्सनली हैज टोल्ड मी एक मिनट दैट देयर इज नो बार बार डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है इसमें इसलिए आपके बोलने के बाद आपको बिल्कुल मौका दूंगी क्योंकि शी इज देयर इन हाउस ऐसा नहीं डिफेंस मिनिस्टर स्पोक अनट्रूथ ये बात कही ना आपने अभी एक मिनट ठीक है ना तो आपको दे दूं यस द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाट एवर इट इज That's a no. I met the gentleman in Delhi. You can check the records. Don't respond. And the gentleman clearly said that there is no secret pact between the Indian government and the French government. Yes. So the defense minister has clearly spoken an untruth. I want to understand. ये untruth शब्द अभी नहीं जाएगा because she will clear the position. Everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that goes into the marketing of India's Prime Minister. And everybody understands who it comes from. One of those people was given the Rafael contract and he benefited thousands and thousands and thousands of crores. The contract was taken away from HAL. Madam, he cannot say unsubstantiated. We cannot, madam, according to rules. Ek ek shabd ko nahi main dekh rahi hu. And the gentleman, the gentleman benefited to the tune of approximately 45,000 crore rupees. This is the truth. Now the Prime Minister must explain, and he must answer in this house whether the Cabinet Committee for Security took this decision or not. The Prime Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. Now these are the things that the Prime Minister of India must explain. He must explain why a businessman has been favored. I know, I can see he's smiling. But there is a touch of nervousness in the gentleman. There is a touch of nervousness in the gentleman. And he is looking away from me. I can understand that. And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can he be? The idea of demonetization was to damage and reduce 1 minute
What point of order you have? Madam, very unfortunate. I'm quoting the rule. I'm quoting the rule. Madam, I'm speaking under rule 353. I'm drawing your attention to rule 353. 353. The 353 very specifically says, madam, no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has been given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned. That includes Prime Minister also, so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply, provided that the speaker may at any time prohibit any member from making such allegations if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the house or no public interest is served by making such allegation. Madam, what Sri Rahul Gandhi is doing is he is throwing the rules of the procedure to four winds and speaking. He is speaking everything baseless, without any substance or from the truth. There is no document or anything to support frivolous charges. I know the entire family doesn't care for the constitution. They don't care for the rules of the procedure also. They don't care for the parliament also. पूरा देश, पूरे देश ने अभी देखा है. मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते. के बारे में बोलते हैं. प्रधानमंत्री जी ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था. राहुल गांधींनी लोकसभेमध्ये घणाघाती आरोप केलेला आहे. फ्रान्स सरकारकडून राफेल नदाल विमान खरेदी प्रकरणी मोदींशी संबंधित माझ्या आरोपांनी पंतप्रधान अस्वस्थ झालेत, 45 हजार कोटींचा फायदा झाला असं राहुल गांधींनी म्हटलेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे चौकीदार नाही तर भागीदार आहेत अशा घणाघाती शब्दात त्यांनी टीका केली. आपली शक्ती दिखाई, ठहरिए, हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वो चाइना के सामने खड़े हुए. मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के वान में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, ढोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे. सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता है.
मुख्यमंत्री आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का किसान कहता है माफ आपने उनका किया, हाथ जोड़ के आपने आपसे कहता है हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों में शक्ति नहीं है, तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते। आप बैठिए, प्लीज एक बात आप आराम अटोले जी, एक बात मैं आप सबसे भी निवेदन कर रही हूँ, बोलने वालों को भी मैंने हमेशा निवेदन किया है कि बोलते समय कोई ऐसी बात भी हम नहीं बोली, या हम सभा भी तो नहीं है, या जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स यस आप रख सकते हो बिल्कुल रखो, शब्द भी ऐसे यूज होना चाहिए यहाँ बोलते समय कि चाहे वो किसान के लिए बोलो चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। और इसलिए ये आरोप भी लगाऊँ, आरोप भी जो लगाऊँ अगर हमारे पास है सब पुरावा जरूर लगा सकते हैं, सभी लोग कृपा करके थोड़ा संयम रखें और भाषा भी ठीक रखें। क्षमा करिए, वो हर बार रूल्स का उल्लंघन करेंगे, कोई सबूत नहीं है, डरो मत, डरो मत, एक मिनट डरो मत, आप भी बैठिए, मैंने कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, जवाब डरो मत, डरो मत, क्या हो रहा है, इंजिक वाला, इंजिक वाला, सबूत है वो सदन के सामने पेश करना चाहिए, नहीं तो ये अनाप शराब बोलने के लिए वो एक बात आप क्षमा, प्लीज प्लीज प्लीज
145.